हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। टुडेस टॉपिक इज रीऑर्डर पैराग्राफ्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर रीऑर्डर पैराग्राफ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में आपको वीडियोस मिलेंगी और हमारी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। घर में बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, और फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे जलंधर ब्रांच में विजिट कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, ध्यान रखना मेरी बात गाइज। सबसे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। रीऑर्डर पैराग्राफ को हमें ट्राई करना है विद इन 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने के लिए। रियल एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 और 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी रीऑर्डर पैराग्राफ में, तो आपके बाकी जो सेक्शंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टू रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स एंड ओनली रीडिंग इन द ब्लैंक्स, वो आपको कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें पूरे क्वेश्चन को रीड करना है, ढूंढना है। अगर आपको कोई कोई कनेक्टर मिल जाए तो वो पहले नंबर पर नहीं आएगा। जैसे कि एज सच जो कि आपकी आंखों के सामने मिल गया, तो मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो पहले नंबर पर नहीं आएगा। फॉर इंस्टेंस किसके लिए यूज़ करते हैं, वो एक एग्जांपल के लिए यूज़ करते हैं, ये भी हमारा पहले नंबर पर नहीं आएगा। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई अ वराइटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग फीड कॉस्ट, किसकी बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम इसी को सेंटेंस मान लें कि इंडिपेंडेंट ये है, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं, किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, वो हमारे को बताया ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए, द प्राइस ऑफ बीफ कैन क्वाइट वॉलाटाइल, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसको किसी भी कनेक्टर की जरूरत नहीं है। द यहाँ पर हम देखते हैं द प्राइस ऑफ बीफ कैन बी क्वाइट वॉलाटाइल डैश इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। हाँ देखो, अगर जो प्राइस बीफ का है वो बहुत वॉलाटाइल है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, ये कैसे हुआ। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके प्राइस को वॉलाटाइल करते हैं, जैसे कि फीड कॉस्ट, डिमांड एंड वेदर कंडीशंस अफेक्टिंग कैटल फार्मिंग। तो ये हमारा डी के बाद आएगा ए। आपको कनेक्शन बनाना है एक्चुअली में। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाता है, देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हमें कैसे कनेक्शन बनाना है। कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड, कोई ना कोई ऐसी बात की होगी अगले ऑप्शन में जो हमारे को यहाँ पर क्ल्यू मिलेगा। जैसे कि डी में की गई है, द प्राइस ऑफ बीफ कैन बी क्वाइट वॉलाटाइल, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग फीड कॉस्ट, डिमांड एंड वेदर कंडीशंस अफेक्टिंग कैटल फार्मिंग। फिर हम देखते हैं बी और सी में से क्या आएगा। अब देखो, एज सच बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आर सब्जेक्ट टू द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट, फॉर इंस्टेंस ड्रॉट कैन लीड टू इंक्रीज। अब देखो, यहां पर बात की गई है फीड कॉस्ट की। फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इसकी एग्जांपल देना, इसको आगे एक्सप्लेन करना, मतलब यहां पर फीड कॉस्ट को आगे एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या चीजें इस फीड कॉस्ट को बढ़ा सकती हैं। पहले यहां पर तो हमने बता दिया कि जो बीफ का प्राइस है वो तो बढ़ता जाता है या कम हो जाता है, वो डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर के ऊपर। फिर ये सारे फैक्टर में से उसने कुछ फैक्टर, जैसे कि ड्रॉट कैन लीड टू इंक्रीज्ड फीड कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड सप्लाई ड्राइविंग अप बीफ प्राइसेस। अब देखो, ड्रॉट जो है वो एक तरह का इसने रीजन दे दिया, एक तरह का कि फीड कॉस्ट के रिलेटेड। तो आंसर क्या आएगा, डी के बाद आएगा हमारा सी और एंड में बचा क्या बी। आंसर इज डी ए सी बी।
तो गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपकी आंखों के सामने ही इतने परफेक्ट हो जाओ, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, आप मेरी पूरी वीडियोस देख लेते हो, यकीन मानो आपको हर एक चीज़ के बारे में घर में बैठ के विदाउट कोचिंग पता चल जाएगा कि हमें कैसे करना है, क्योंकि ये कंप्यूटर पे जो टेस्ट होता है सारा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तभी हमारे चैनल का नेम है निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कर लेना ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ये को 10 आ गया, 10, फिर आ गया देर, ये भी पहले नंबर पर नहीं आएगा। हाउ एवर, ये भी पहले नंबर पर नहीं आएगा, ठीक है। बचा गया हमारे पास सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है हमारा पहले नंबर पर आएगा। सी में बात क्या हो रही है वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हमारे को ये तो नजर आ जाए कि हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है। अब कई बच्चे मैसेज करेंगे, कमेंट कर सकते हैं कि इतने इजी क्वेश्चन थोड़ा आते हैं। देखो भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं, वो भी आप कर सकते हो। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हमारी टीम हमारे को देती जाएगी, हम वैसे वैसे उसको सॉल्व करते जाएंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बेसिक से स्टार्ट करवाना पड़ता है, तो हमें एक तरह का बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करें और आपको डीमोटिवेट कर दें, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल की जो होते हैं वहां पर, राइट। तो अभी हम बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर ओवर अ सेंचुरी। दस का इस्तेमाल कब हम करते हैं? देखो, ज्यादातर जब दस आता है तो वो ज्यादातर एंड में आएगा, ठीक है, एंड में आएगा। मैं 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर एंड में आएगा, मैं एक तरह मान के चलता हूं कि ये एंड में आता है। देयर अबंडेंट एनर्जी एंड ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्ट मेड देम द प्रेफर्ड चॉइस। ओके, हाउएवर देयर कंबशन रिलीजेस सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैसेस लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो, फॉसिल फ्यूल्स की बात की गई है, वो कह रहा कि फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर ओवर अ ईयर। देयर अबंडेंट एनर्जी एंड ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्ट मेड देम द प्रेफर्ड चॉइस, हाउएवर देयर कंबशन रिलीजेस द सिग्निफिकेंट ग्रीन लीडिंग टू एंड रिजल्टिंग। अब देखो यहां पर, हाउएवर देयर कंबशन रिलीजेस सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैसेस लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन द रिजल्टिंग। अब ये जो चीज जो हुई है उसका रिजल्ट यहाँ पर बता दिया गया है, मतलब मुझे पता लग गया भाई कि सी के बाद, मुझे ये नहीं पता सी के बाद क्या आएगा, लेकिन मुझे ये पता लग गया डी के बाद ए आएगा ही आएगा। अब हमें ये देखना है कि सी के बाद डी आएगा तो उसके बाद तो ए ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर बी हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर सी के बाद डी नहीं आएगा तो उसका मतलब ये है कि बी, और सी बी डी ए आंसर इसका हो जाएगा। लेट्स सी, बी को पुट करके देते हैं, बी के साथ कोई कनेक्शन बनता है। फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर ओवर अ सेंचुरी। देयर अबंडेंट एनर्जी एंड ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्ट मेड देम प्रेफर्ड चॉइस, हाउएवर देयर कंबशन रिलीजेस सिग्निफिकेंट हाउस ग्रीन हाउस गैसेस लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सी का डी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता है तो हम यहाँ पर लगाएंगे बी। आंसर हमारे पास आपकी आंखों के सामने है, वो आ गया सी बी डी ए। आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमने इसको सॉल्व किया। गाइस, अगर आप भी कोचिंग लेना चाहते हैं, ऐसे नए नए तरीके सीखना चाहते हैं, तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और इसके अलावा आप हमारे को कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस पूरे वर्ल्ड वाइड में चलती है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा अगर आप फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जलंधर सिटी पंजाब में हमारा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। नंबर के ऊपर फ़ोन करिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और हमारे रिजल्ट्स वगैरह चेक कर लेना। अगर वो बच्चे ले सकते हैं कम समय में तो आप भी ले सकते हो गाइस। सो काहे का लिए वेट कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम और पैसा? अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि एक बार एग्जाम दिया स्कोर नहीं आया, कोई बात नहीं अगली बार आ जाएगा, अगली बार गया फिर नहीं आया तो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप अच्छी कोचिंग लेकर पेपर दो ताकि आपका पेपर पास हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।